आज आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम दिखाने वाले हैं राइस कैसे बनता है और क्या क्या उसमें करना पड़ता है राइस के लिए। पहले तो जो धान बोलते हैं, राइस का छिलका धान, वो काट के खेत में से लेके आया जाता है। घर पे उसको पीट के निकाला जाता है। उसके बाद जो है उसको भिगाया जाता है, पानी में भिगाया जाता है। तो किस तरह भिगाया जाता है देख सकते हैं आप। ये है नाद बड़ा सा, तो देखिए पानी के साथ डाला हुआ है। क्या देखिए पानी में डालते हैं इसको, पानी में डालते हैं भीगने के लिए। ये देखिए ये राइस का छिलका, छिलके के साथ राइस है ये पूरा नाइट, फुल नाइट ये भीगता है इसमें। उसके बाद ये भीगने के बाद पूरा पूरा डाला हुआ है। कम से कम इसमें 50 किलो के लगभग है, 50 केजी इसमें भीगने के बाद रात भर। उसके बाद बॉईल होता है, ये चूल्हा है, 3 खाने का चूल्हा मिट्टी का, जिसको इसके ऊपर बॉईल होता है, इस चूल्हे के ऊपर वो डब्बा डाल के इसमें बॉईल करते हैं। ये डब्बा है, ये डब्बे में बॉईल होता है चावल राइस। इस तरह से डाल के 3 खाने पे ये बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद इसको 2 दिन सूखने में लगता है, 2 डेज इसमें सूखने में लगता है। उसके बाद सूखने के बाद ये राइस मिल में जाता है और राइस मिल में फ्रेश होता है। तो चलिए आपको राइस मिल में दिखाते हैं राइस कैसे निकलता है, कैसे बनता है। ओके गाइस, हाय गाइस, हेलो दोस्तों, देखिए दाल कैसे बनाता है। राइस बनता है बढ़िया राइस, धान जो होता है वो डालते हैं इसके ऊपर और ये राइस निकलता है नीचे से बनती है। ये राइस छिलके के साथ राइस है, ये छिलके के साथ है। अभी छिलका निकलने वाला, मशीन में जाएगा, छिलका निकलेगा। ये डब्बे से नाप के डालते हैं, ये ऐसा डब्बा से नाप नाप के डालते हैं एक डब्बा। अपना कैसा ऊपर डाला जाता है और ये ऊपर डालेगा राइस को। प्रेस नहीं है, इसके बाद डबल से प्रेस होगा। ये सिंगल डाल के आधा टुकड़ा हो रहा है, उसके बाद डबल सीट में डाला जाएगा, उसके बाद फिर फ्रेश निकलेगा। मशीन है
बाहर कितना टीना पर कितना लेवा हो टीना पर कितना लेवा हो सेवन रुपये तीन का जो कारीगरी है पर टीम सेवन रुपया इसका डब्बा इसमें डालेंगे तो सात रुपये के हिसाब से देना पड़ता है। चावल निकलता हुआ बाबू और चावल दिखाओ फ्रेश करके चावल फूक के फूक के फ्रेश करके छिलके के साथ है डबल से छिलका इससे निकलेगा फिर से डाला जाएगा छिलके के साथ चावल ये राइस राइस है ये राइस डबल से निकलेगा फिर डबल से डाला जाएगा इसको ये जो निकल रहा है इसको फिर डबल से डालेंगे वापस उसके बाद फिर फ्रेश राइस निकलेगा और इसका भूसा जो है इसका टुकड़ा वो साइड से निकल जाएगा पीछे से देख सकते हैं आप ये डबल से फिर से डाला जा रहा है ये डबल से फिर से उसमें डाला जा रहा है और अब जा करके इसमें फ्रेश चावल निकलेगा। देखिए कैसे फ्रेश चावल निकलना शुरू हो गया तो बाबू हाथ से निकाल के दिखा दो फ्रेश अब ये फ्रेश चावल निकलेगा फ्रेश चावल निकल रहे तो राइस बढ़िया राइस फ्रेश ये डबल से डालने के बाद फ्रेश होता है सिंगल में पहले टुकड़ा निकलता है उसके बाद डबल से डालेंगे तो फ्रेश चावल निकलेगा। चलो बाबू डालो तो जल्दी जल्दी फटाफट डालो डाला जा रहा है और डबल से डालने के बाद अब इधर से नहीं इधर से फ्रेश चावल निकलता है ये बोरी भी पैक हो जाएगा चावल निकल के फ्रेश चावल निकल के बोरी भी पैक हो जाएगा और इसका छिलका जो है गाइस इधर से निकलता है देख सकते हैं ये पीछे से छिलका निकलता है छिलका इतना पीछे से निकल जाता है है ये आग जलाने के लिए काम आता है जिसमें चिल्का रह जा रहा है आगाते हैं इसको चिल्का रहा जा रहा है और फिर से धीरे धीरे चिल्का जमा हो जाएगा चिल्के बनाएंगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है चिल्का प्याज का चिल्का और इसलिए धीरे फ्राई डाल रहे हैं और अभी आगे से नहीं है साइड से निकल रहा है राइस और पीछे से इसका छिलका निकल रहा है आपको देख सकते हैं तो ये दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग तो देख चुके होंगे लेकिन बहुत सारे जो नहीं देखेंगे उनके लिए इंटरेस्टिंग पूरा वीडियो और फिलहाल से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।